फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी ने। जैसे कि आपको सभी को पता है कि ज़्यादातर गंदा पानी लोगों के आने की शिकायत होती है। बीएमसी में देखा जाए तो 50% जो कंप्लेंस होती है वो इस तरह के लिए आती है कि उनके एरिए में गंदा पानी आ रहा है। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बार बार धरना प्रदर्शन होता है, बीएमसी के सामने प्रदर्शन किया जाता है कि गंदा पानी आता है, और बीएमसी भी इसके लिए काफ़ी प्रयत्न करते रहती है कि लोगों को साफ पानी मिले, दवाइयों का इस्तेमाल करती है कि लोग इससे बीमार ना हो। लेकिन ये गंदा पानी कैसे आता है, आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ वीडियो। जिस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि मालवनी मलाड वेस्ट गेट नंबर 6 पे एक पानी का लाइन है, जिसे कहते हैं 6 इंच का समथिंग कुछ लाइन है, उसके अंदर पहले दिन हमारी टीम ने जब फोटो खींचा तो उसमें एक खड्डा करके कुछ प्लास्टिक का पाइप लगा के आजू बाजू में सीमेंट लगा दिया गया था। कल हमारी टीम ने फोटो खींचा, उसमें 2 खड्डा करके और पाइप घुसाया गया था। आज फिर से एक फोटो खींचा गया जिसमें 3 खड्डे कर दिया गया है। मतलब ये खड्डा हो कहाँ रहा है, ये पाइप का, ये पाइप जो है गटर के अंदर है, 6 इंच का पाइप जो बीएमसी इस वक्त बना रही है गटर के अंदर। जब कुछ दिन बाद ये गटर रेडी हो जाएगा, उसमें से पानी जाने लगेगा तो गटर का पानी आएगा। जब लोग इसमें मोटर लगाएंगे अपने एरिया में पानी के लिए, ये पाइप हल्का सा लीक होएगा या टूट जाएगा तो क्या होगा, इसमें लोगों के घरों में गंदा पानी जाएगा और बीएमसी को बार बार कंप्लेन जाएगी और बीएमसी के लोग हमेशा परेशान रहेंगे गंदा पानी कहाँ से आ रहा है। आइए हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से तोड़ा जा रहा है, तोड़कर इलीगल तरीके से किस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं या लोग किस तरह से इसको बेच रहे हैं। बीएमसी ने, हमारी टीम ने इस पर कंप्लेन की हुई है, ट्विटर पर भी कंप्लेन डाली है। बीएमसी के ऑफिसर जो पिनौत वार्ड के हैं मिस्टर कोरे, उनसे भी हमारी टीम ने बात किया है। लेकिन कब तक इस पर कार्रवाई होती है देखते हैं हम आगे के अपने अगले वीडियो में। भाई काम करने के टाइम पे पाइप क्यों फोड़ दिए? समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें, 7666471110। धन्यवाद।